हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एकदम अलग तरीके का थाली पोश डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और इस डिज़ाइन को बनाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, उसमें आपको हुक का साइज़ और कौन से प्लाई का ऊन है और कितना ऊन लगा है आप उसमें देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है ये डिज़ाइन, और बहुत ही सुंदर है और बहुत इजी तरीके से ये बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाएं। हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लाते रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। आज हम आप लोगों के लिए तीन कलर कॉम्बिनेशन से बहुत ही सुंदर थाली पोश डिज़ाइन लेकर आए हैं। और क्या बोलते हैं कि ये वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, उसमें आपको पता चलेगा कि ऊन कौन से प्लाई का है और कौन सा हुक का साइज़ क्या है और ऊन कितना लगा है। यहाँ पे जितना भी कलर है सब 2 प्लाई ऊन है और 3 mm क्रोशिया है। यहाँ पे 3 mm क्रोश का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हुक साइज़ है। ये देखिए पहले धागे को फंसाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन और यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3 तीसरे वाले चैन में यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1, 2, 3 चैन डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पे 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया 2 हो गया।3, 4, 5 यहाँ पे पूरा 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद ये जो 3 चैन बनाए थे फर्स्ट में 1, 2, 3 तीसरे वाले चैन में यहाँ से 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बाद धागे को कट कर देंगे। अब इसके बाद रेड कलर लगाएंगे, पहले नॉट लगा लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन 6 चैन बनाने के बाद ये देखिए दूसरे वाले चैन में अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन अब दूसरे वाले चैन में 1 सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में 6 चैन बनाने के बाद अब यहाँ लास्ट वाले में 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। ये
ये पूरा 10 बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद ये वाला जो चैन दिख रहा है इसके अंदर हमें बनाना है। पहले नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद 1, 2 चैन बनाने के बाद अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 हो गया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया। एक चैन में हमें 4-4 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद दूसरे वाले चैन में 4-4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें एक स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन कर लेना है। हो गया, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैन बनाएंगे। फिर इसके बाद 1, 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहाँ पे सेकेंड वाले चैन में 1 और 2 दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच बनाना है। हो गया, फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन 3 चैन बनाने के बाद 1 और 2 दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच बनाना है। फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन फिर से वही करना है, 1, 2 दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच बनाना है। फिर इसके बाद 1, 2 चैन 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए यहीं पे 1 स्लिप स्टिच बनाना है। ये बॉक्स टाइप का आना चाहिए, ये देखिए। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन यहाँ पे 8 चैन फिर इसके बाद दूसरे वाले यहाँ पे बना है इसको छोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैन बनाने के बाद 1, 2 चैन एक्स्ट्रा 1 और 2 दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच बना लेना है। फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन 1, 2 दूसरे वाले में 1 स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद 1, 2, 3 फिर वही करना है, 1, 2 दूसरे वाले में 1 स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद 1, 2 चैन और ये देखिए यहीं पे हमें 1 स्लिप स्टिच बना लेना है। बॉक्स हो गया। फिर इसके बाद 1 2
तीन चार पाँच छ सात आठ चैन, यहाँ पे आठ चैन है, इस बगल भी आठ चैन होना चाहिए। अब दूसरे वाले चैन में ये देखिए इसमें बना है, इसमें ना बनाकर दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यही सिंगल क्रोशिया पकड़कर टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हो गया ऐसे ही हमें ये बॉक्स बॉक्स बनाकर रेडी करना है। ये दो हो गया है और दो और बना लेना है, एक यहाँ पे बनेगा और एक इधर बना लेंगे तो चार हो जाएगा। यहाँ पे आठ चैन बनाने के बाद दो चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद तीन चैन, दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद दो चैन, तीन चैन, फिर इसके बाद एक स्लिप स्टिच और फिर यहाँ पे दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। जैसे यहाँ पे दो चैन बनाए थे, यहाँ पे भी दो ही चैन बनेगा। ये देखिए यहाँ पे नौ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे जो चैन बना है इसके यहाँ पे बनाएंगे तो 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। 10 हो गया, अब ये देखिए 10 हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 चैन, यहाँ पे हमने आठ चैन बनाया है। अब दो चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, दो चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो स्लिप स्टिच बना है इसके बीच में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। हो गया, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन, एक और दो, दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन, फिर दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद एक दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो स्लिप स्टिच बना है इसके बीच में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये अब ये दूसरा वाला बॉक्स रेडी हो गया। ये बॉक्स टाइप का लगना चाहिए, देखिए ये पूरा बॉक्स टाइप का बनना चाहिए। एक बॉक्स हो गया, दो बॉक्स, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन, दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन, फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में एक स्लिप स्टिच। ये देखिए ये आकार ऐसा आना चाहिए, इधर हो गया, फिर इसके बाद इधर, अब इधर बनाना है तो एक दो चैन, दो चैन लेना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, तभी समझ में आएगा। ये बॉक्स जो है, अगर ये बॉक्स गड़बड़ हो गया तो ये थाली पोस्ट नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 10 चैन बनाए हैं तो इस बगल भी 10 चैन ही बनाना है। दस चैन बना लेंगे, फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ सिंगल क्रोशिया हो गया। पहले वाले राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया।
9 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद जैसे ये बॉक्स बॉक्स बना रहे हैं, सेम हमको यहाँ इन दोनों पे भी कंप्लीट करना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही आना चाहिए। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे देखिए 8 चैन था, फिर इसके बाद 10 चैन। अब यहाँ पे 10 बनाने के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 11, 12। मतलब हर बार में 2-2 चैन एक्स्ट्रा बनाना है, 12 चैन। फिर इसके बाद ये देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसमें हमें 1 स्लिप स्टिच बनाना है। 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन। फिर दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन दूसरे वाले में 1 स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद 1, 2 चैन। फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो स्लिप स्टिच है इस पर ज्वाइन करेंगे, 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 बॉक्स, ये देखिए अब ये वाला बॉक्स बनाने के बाद फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। सेकेंड वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच। अब ये देखिए यहाँ से ये वाला हो गया, फिर इसके बाद ये देखिए पहले ये बॉक्स टाइप का बनना चाहिए, इधर हो गया, फिर इधर हो गया। अब इधर से इधर ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें 1, 2 चैन बना लेना है। फिर इसके बाद ये वाला जो स्लिप स्टिच है इसके बीच में हमें 1 स्लिप स्टिच बना लेना है। ये देखिए बॉक्स हो गया। फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन, 1 स्लिप स्टिच। ये देखिए इधर से हो गया, अब इधर का बनाना है, ये हो गया। अब इधर बनाएंगे ऐसे, तो 1, 2, 3 चैन दूसरे वाले चैन में 1 स्लिप स्टिच। ये देखिए इधर हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पे ज्वाइन करना है तो 2 चैन बनाएंगे, 1, 2 चैन। अब इसके बीच में हमें 1 स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 12 चैन बनाए हैं, तो यहाँ पे 12 चैन बना लेंगे। बारह चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले राउंड में 8 हो गया, पहले 10, फिर इसके बाद 9, फिर 8। अब ऐसे एक एक करके ये अपने आप कम होता जाएगा। फिर इसके बाद 12 चैन, 2
ये देखिए ऐसे ही हमें बनाकर रेडी करना है। जैसे ये दोनों में बनाए हैं सेम हमको इसमें बना लेना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब यहाँ पे 12 चैन बनाए थे तो यहाँ में हमने 2 चैन एक्स्ट्रा बनाया, 12 13 14 14 कर लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्लिप स्टिच है इसके ऊपर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर इसके बाद एक दो तीन चैन सेकेंड वाले में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन सेकेंड वाले में एक स्लिप स्टिच, फिर एक दो चैन हो गया। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, चार बॉक्स रेडी हो गया। फिर इसके बाद एक दो तीन चैन सेकेंड वाले में एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे ये वाला आकार बन गया बॉक्स का। फिर इसके बाद इधर का ये देखिए इधर से हो गया, इधर से हो गया। अब इसमें ज्वाइंट करना है तो एक दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक ही स्लिप स्टिच बनाया, फिर दो चैन बनाकर ज्वाइंट कर दिया। फिर इसके बाद एक दो चैन तीन, तीन चैन बनाने के बाद फिर इसके बाद एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे भी वही करना है, ये देखिए यहाँ पे आकार बन गया है, इधर से बन गया है। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, एक दो चैन और इसमें एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद एक दो तीन चैन स्लिप स्टिच है, फिर एक दो तीन चैन एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद एक दो चैन बनाकर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये देखिए। फिर इसके बाद अब यहाँ पे जितना चैन बनाए हैं सेम हमको यहाँ पे बना लेना है। चौदह चैन बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चाहे एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छः सात, सात सिंगल क्रोशिया।
फिर इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह चैन। अब यहाँ पे 14 था तो यहाँ पे 16 दो बना लिए एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार बॉक्स हो गया। अब इसके आगे हमें बॉक्स नहीं बनाना है तो यहाँ पे ये वाला जो चैन है इसमें एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए दो तीन स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद एक दो तीन चैन एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद एक दो दो चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक दो तीन चार बॉक्स हो गया। जैसे यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ तक आया, फिर इसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ तक आना है। एक दो तीन, फिर इसके बाद यहाँ पे जितना चैन बना है इतना चैन यहाँ पे बना लेंगे, 16 चैन। सोलह चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पाँच छः ऐसे ये राउंड भी कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक चैन बनाकर कट कर देंगे धागे को। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन बॉक्स है, एक एक दो तीन। अब यहाँ पे एक दो बॉक्स करना है, नॉट लगा लेंगे। फिर इसके दो तीन चैन एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद एक दो चैन यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। ये देखिए फिर इसके बाद एक दो तीन चैन एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद एक दो चैन यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, एक स्लिप स्टिच। ये देखिए दो हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे उल्टे साइड से एक स्लिप स्टिच। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद ये वाला फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम ये फ्लावर पहले से रेडी कर लिए हैं, जैसे ये बना है सेम बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये सब बनाना है। तो पहले अब यहाँ पे देखिए 8 चैन बना है, तो 8 चैन से स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 चैन। 8 चैन बनाने के बाद अब ये देखिए ये वाला जो बना है, अब इसी में हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। एक स्लिप स्टिच बनाना है, हो गया। फिर इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8 चैन। 8 चैन बनाने के बाद अब ये देखिए यहाँ इसको छोड़ेंगे, जहाँ पे ये चैन बना है साइड वाले में एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें अब ज्वाइंट होगा, ये वाला ऐसे जाना चाहिए, ये देखिए ये वाला ऐसे आना चाहिए और ये वाला इधर से जाना चाहिए, हो गया ज्वाइंट। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है, ये चैन जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया दस सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8। अब यहाँ पे कुछ ज्वाइन नहीं करना है। ये देखिए 4 कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3 और यहाँ पे एक ज्वाइंट कर रहे हैं, 4 हो गया। फिर इसके बाद चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 8 चैन बनाया था, अब इसके बाद 10 चैन बनाएंगे। और 10 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ पे ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे ये बॉक्स रेडी है, बॉक्स नहीं बनाना है, बस खाली इस पर ज्वाइन करते जाना है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और यहाँ पे देखिए उल्टा करने के बाद इसे इस धागे को हमें इस साइड लेके आना है। तो हम एक चैन बना लेंगे पहले। एक चैन बनाने के बाद ऊपर से ये देखिए नीचे नहीं दिखना चाहिए, ऊपर से ही हमें एक एक थोड़ा थोड़ा धागे को उठाकर स्लिप स्टिच बनाते जाना है। We'll be right back.
स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये अंदर साइड से हो गया, ये इधर नहीं दिखेगा और यहाँ पे रहेगा, ये पीछे साइड में रहेगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 10 चेन बनाए हैं, तो अब यहाँ पे भी हमें 10 चेन बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो ये वाला भी इधर ही से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें 10 चेन बनाना है। अब इस साइड कर लेंगे इसको। अब ये देखिए, अब ये वाला जो चैन है इस पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला चैन इधर से आना चाहिए और ये वाला जो चैन है इधर आना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है, अब सेम बनाना है जैसे यहाँ पे 10 बनाए हैं चैन, 10 कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सब देखिए, जैसे ये वाला बॉक्स बनाए थे 10 चैन बनाने के बाद, फिर इसके बाद एक बॉक्स, फिर इसके बाद बॉक्स, ऐसे ऐसे बनाते आए हैं, सेम हमको इसमें भी करना है। ये देखिए, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे जोड़ते आए हैं सेम ऐसे जोड़ना है। चैन बनाएंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले राउंड में 10 चैन बनाए थे, अब तीसरे वाले राउंड में 12 चैन बनाएंगे, 2 चैन एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद अब देखिए इस पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन हो गया, यहाँ पे ज्वाइन हो गया, अब इस पे ज्वाइन करेंगे। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, हो गया इस पे, ये वाला चैन इधर से आएगा। फिर इसके बाद अब इसको उल्टा करेंगे, एक चैन बनाएंगे। अब उल्टा करने के बाद ये देखिए, अब ये वाला भाग ऐसे आएगा।
ये देखिए सीधे साइड में ये नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद ये देखिए इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 12 चैन बनाए हैं तो इधर भी 12 चैन बना लेंगे। पहले वाले राउंड में 10, फिर 9, फिर 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, ये बॉक्स का इधर का भाग और इधर का भाग रेडी हो गया है। ऐसे हो गया है, बस हमें इधर करना है और इधर करना है। तो यहाँ अब यहाँ पे जैसे ज्वाइन करते आए हैं सेम हमको ज्वाइन करना है। अब ये देखिए ये वाला चैन इसमें ज्वाइन हुआ है। अब यहाँ पे चैन बनाने के बाद अब इसमें ज्वाइन करेंगे। चैन बनाएंगे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे हमने 12 चैन बनाया था, यहाँ पे 14, दो चैन एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच बनाने के बाद। अब इसको देखिए, अब जैसे यहाँ पे ज्वाइन किए, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, अब इसको इस तरीके से लेके आएंगे। ये वाला भाग जो दिख रहा है इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद एक चैन बना लेंगे पहले। Thank you.
ये देखिए यहाँ से हो गया। अभी इस साइड देखिए, यहाँ पे ऊपर साइड में नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सीधा करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 14 चैन बनाए हैं, तो इधर भी 14 चैन बना लेंगे। ये देखिए अब ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। जैसे ये वाला सब बना के रेडी किए हैं, अब ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब लास्ट वाले में यहाँ पे लेके आएंगे और इसमें ज्वाइन करेंगे, तो इधर से लेके जाएंगे। ये देखिए ये वाला जो चैन हम बना रहे हैं, इस साइड से लेकर इस साइड तक आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 चैन है इस साइड, तो इधर भी 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5। और इस ये सब भाग जो है, जैसे ये सब बनाए हैं, ये सब ऐसे बना लेना है। अब ये देखिए एक इसमें ज्वाइंट हुआ है, तो अब यहाँ से ज्वाइंट होगा। एक इस साइड बनाएंगे, इसमें ज्वाइंट करेंगे ये पूरा कंप्लीट करने के बाद। अब ये वाला फ्लावर इसमें ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए ये पूरा ज्वाइंट करके बन गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में पूरा बना लिए हैं। और इसमें देखिए कैसे बनाना है, जैसे इसमें बताए थे कैसे बनाना है, सेम इसको वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉक्स, फिर इसके बाद 1 2 3 बॉक्स, अब 2 बॉक्स बनाना है। हो गया। अब इसके बाद ये वाला एक फ्लावर और बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं, सेम बनाए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये बना रहे हैं सेम बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हम जैसे ज्वाइन किए हैं, ऐसे ये बनाने के बाद यहाँ पे ये वाला आकार बनाने के बाद अब इसमें ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब इसमें जैसे हम बना रहे हैं हाफ हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन में 4-4 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करना है। ये देखिए
रेडी हो गया। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन, 8 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है इसमें ज्वाइन करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है, ये वाला ज्वाइन है, फिर इसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब सेम ज्वाइन करना है, ये देखिए 3 फ्लावर ज्वाइंट हो गया। अब 4 करना है, 4 फ्लावर ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पे एक ज्वाइन किए हैं और ऐसे ही सेम हमको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये वाला फ्लावर कैसे ज्वाइन करना है, पहले हमने एक एक में ज्वाइन किया, अब इसके बाद यहाँ और यहाँ ज्वाइन करना है। 8 चैन बना लेंगे पहले, आठ चैन बनाने के बाद अब ये देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे पहले। अब ये वाला दोनों पार्ट खुला हुआ है, ये देखिए ये दोनों ज्वाइंट है, अब ये दोनों ज्वाइंट करना है। तो पहले हम चाहे इस पार्ट को चाहे इस पार्ट को पहले ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए
ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। पहले एक फ्लावर रेडी किया, फिर इसके बाद दूसरा वाला फ्लावर इसमें ज्वाइन की, फिर इसके बाद ये वाले फ्लावर को यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर इसके बाद ये वाले फ्लावर को यहाँ पे ज्वाइन किया। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये जो फ्लावर है इसके किनारे किनारे पे हमें चेन बनाना है। एक दो तीन चार, चौथे वाले चेन से स्टार्ट करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस चेन, दस चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, चौथे वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, हो गया। फिर धागे को कट कर देना है। फिर इसके बाद एक दो तीन चार, चौथे वाले चैन से फिर स्टार्ट करेंगे, सीधा कर लेंगे चैन को। एक दो तीन चार,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दसवें वाले चैन से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से गिनेंगे इस चैन में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे बीच में फ्लावर बनाएंगे। एक दो तीन चार चैन, फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये सर्कल बन गया है। एक दो तीन चार चैन, ट्रिपल क्रोशिया। अभी इसी सर्कल में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो हो गया। तीन, चार, टोटल 20 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। और पहले वाला जो चैन बनाए थे चार, एक दो तीन चार, चौथे वाले चैन में हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना है। ज्वाइंट हो गया। फिर इसके बाद एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे।
तीन चैन, फिर इसके बाद उसी में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए दो डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे, जो तीन चैन बनाए थे। फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में बनाएंगे, फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में दो डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद दो डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे एक में दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, ऐसे ये राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो गया, अब लास्ट में इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे जो तीन चैन बनाए थे शुरू में, एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन बनाएंगे और दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चैन दूसरे वाले में। ये देखिए जहाँ पे ये चैन बना है इसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए फिर आठ चैन, आठ चैन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए जो चैन बना है इसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। ये राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर इसके बाद एक चैन बनाएंगे, कट कर देंगे धागे को। अब ये जो चैन है इसमें बनाएंगे, दो तीन चैन, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, दो, और ये जो चैन बना है तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो चैन, फिर दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, दो तीन, फिर इसके बाद एक दो दो चैन, फिर दूसरे वाले चैन में तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद एक दो चैन बनाएंगे और पहले वाले में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ज्वाइन हो गया, फिर इसके बाद धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो दो चैन बना है इसके बीच में बनाएंगे, एक दो तीन चैन, अब इसी चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो चैन, फिर दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो चैन, दूसरे वाले चैन में तीन डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे दो चैन बनाने के बाद पहले वाले में
इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो चेन दिख रहा है तीन चैन, फिर इसके ऊपर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तीन चार डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो चैन। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर इसके ये जो चैन दिख रहा है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाए हैं, दो तीन चार, यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, यहाँ पे तीन और दो दो चैन, फिर इसके बाद यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद तीन चैन। अब यहाँ पे देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो दो चैन, फिर यहाँ पे जैसे बनाया है सेम हमको यहाँ पे बनाना है, चार डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन, अब इसके ऊपर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर एक दो चैन। अब ये जो चैन दिख रहा है इसमें चार डबल क्रोशिया, हो गया। फिर इसके बाद एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे जो चैन दिख रहा है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चैन, इस वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। अब ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक दो तीन हो गया, यहाँ पे जो बीच में चैन दिख रहा है इसके बीच में बनाएंगे। तीन चैन, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे जो चैन दिख रहा है दो, इसमें बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे देखिए, ये दो जो चैन दिख रहा है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है, दो तीन डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चैन, फिर इसके बीच में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करना है।
ये देखिए लास्ट में तीन चेन बनाएंगे और इसमें ज्वाइन कर देंगे। हो गया, अब इसको कट कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए इसको हम कट नहीं किए हैं, इसको ऐसे भी छोक सकते हैं। और कट भी कर देंगे तो ये देखिए पूरा बनकर रेडी हो गया ये। और यहाँ पे हम जो ये फ्लावर कटिंग करके लगाए हैं ये अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा बनाकर लगा सकते हैं।